दोस्तों इस वीडियो में लेके आ गए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की खुशखबरी। दोस्तों ओप्पो ने अपना A92s जो है जो कि 5G है और मिड रेंज के अंदर है अनाउंस कर दिया है। दोस्तों जल्दी आपको इंडिया के अंदर भी ये वाला वर्जन जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी लॉन्च डेट की भी बात करेंगे और इसकी प्राइस की भी बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखें। काफी सारी बढ़िया मिड रेंज के अंदर स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पर निकल के आ रहे हैं इस वाले स्मार्टफोन की। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक लाइक जो है वीडियो को कर दें, कम से कम इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स तो आ ही जाने चाहिए। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं ओप्पो A92s 5G की। दोस्तों कल हमने टेक न्यूज में भी इसकी बात की थी और जो अदर टेक न्यूज देते हैं वो यहाँ पर रियलमी का एक बजट 5G स्मार्टफोन इसे बता रहे थे देखने के बाद, लेकिन ये जो है ओप्पो का ही निकल के आया, तो मेरी टेक न्यूज सही हुई यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं इसकी पूरी तरह से। दोस्तों मिड रेंज के अंदर ये वाला 5G स्मार्टफोन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ग्लास फ्रंट जो है आपको इसमें मिल जाएगा, डिस्प्ले के ऊपर सिक्योर ग्लास जो आपको मिलता है, प्लास्टिक का दोस्तों बैक मिलेगा फिनिश के साथ और प्लास्टिक की ही आपको इसमें फ्रेम मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको 6.57 इंचेस की एक बहुत ही बढ़िया सी डिस्प्ले मिलती है। दोस्तों डिस्प्ले IPS LCD है क्योंकि इसे मिड रेंज बनाने के लिए ये वाली डिस्प्ले यहाँ पर यूज की गई है ताकि इसे 5G के साथ जो है प्राइस ठीक रखी जाए। 120 हर्ट्ज की जो है डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाती है और डुअल पंच होल वाली जो है डिस्प्ले मिलेगी, यानी पंच होल के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलता है डिस्प्ले के अंदर। दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसके अंदर मिलेगा। दोस्तों पावर की के पास ही जो है फिंगरप्रिंट इसके अंदर साइड वाले फ्रेम के ऊपर ही आपको मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर जो है मीडियाटेक 800 चिपसेट जो कि 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर रन करता है। दोस्तों न्यू प्रीमियम 5G स्मार्टफोन्स के लिए इसे डिजाइन किया गया है, तो ये बजट 5G स्मार्टफोन्स के लिए यहाँ पर काफी दमदार साबित हो सकता है। दोस्तों क्वाड कोर फ्लेक्सी जो क्रेट GPU है वो इसके अंदर यहाँ पर यूज किया जाएगा और ये वाला जो GPU है मीडियाटेक का हाइपर गेमिंग इंजन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप PUBG जैसे गेम कितने ही फ्रेम पर खेलिए इस CPU को कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB रैम के साथ 128GB की UFS 2.21 स्टोरेज मिलती है और दोस्तों इसमें फुल 2G से लेकर 5G तक के जो बैंड्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। बढ़िया से ड्यूल सिम जो कि नैनो वाली है वो इसमें सपोर्ट होंगी। दोस्तों एंड्रॉइड 10 बेस्ड कलर OS इसके अंदर यहां पर दिया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर रियर कैमरा सेटअप की जो कि क्वाड रियर कैमरा है। दोस्तों सेप के अंदर यहां पर तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दोस्तों ये निकल जाता है सोनी IMX 586 और सेकंड सेंसर दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा दोस्तों एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा जो है यहाँ पर एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ ऑफ फील्ड सेंसर आपको मिल जाता है। फ्लैश लाइट भी इसमें यहाँ पर पीछे की तरफ मिल जाती है। दोस्तों इसका जो डिजाइन शेप है वो काफी अच्छा लगा। दोस्तों एक स्क्वायर चैम्बर के अंदर क्रॉस के अंदर आपको कैमराज का एक थोड़ा सा अलग हटके जो है सेटअप देखने को मिलेगा काफी कमाल से। दोस्तों इसके अंदर फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें जो कि पंच होल यानी ड्यूल पंच होल के अंदर, तो मेन सेंसर यहाँ पर फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का होगा और सेकंड सेंसर जो है 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो है बोका इफेक्ट्स वगैरह जो मेन कैमरा से भी आप मतलब सेल्फी कैमरा से भी आप निकाल पाएंगे। दोस्तों इसके अंदर बात करें कुछ और मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर वाईफाई 5 मिलेगा, ब्लूटूथ 5 मिल जाएगा। दोस्तों NFC GPS USB टाइप सी पोर्ट 3.5 का हेडफोन जैक ये सब मिलते हैं दोस्तों और डबल ऑटोमेटिक स्पीकर्स वाली जो है ग्रिल नीचे की तरफ दी गई, तो स्पीकर के अंदर आपको कुछ 3D ऑडियो सुनने का भी आनंद मतलब आप ले पाएंगे। 4000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की दोस्तों फास्ट चार्जिंग। अब चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर नॉन वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है। दोस्तों ये फास्ट तो है लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं है जितनी यहाँ पर ओप्पो की वूक चार्जिंग करती है। दोस्तों इसके कलर्स की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि गार्डन व्हाइट और नेवी ब्लू और ब्लैक 3 कलर वेरियंट आपको इसके मिल जाएंगे। दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो है 24,990 रुपए एक्सेप्ट की जा रही है, बस इतना ही होगा। दोस्तों 5G के साथ होने के बाद भी जो इतनी यहाँ पर प्राइस होगी। दोस्तों जून के अंदर जो इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि लॉन्च हो जाएगा 15 जून, यानी 10 से 15 जून तक जो है लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो काफी कमाल से जो स्पेसिफिकेशन थी दोस्तों इसकी आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको मिड रेंज जिसके अंदर 5G भी है, बूस्टर गेमिंग भी है और जो कैमरा सेटअप है वो भी काफी कमाल का है, डिस्प्ले भी जो है लगभग फ्लेक्सिप ही है क्योंकि पंच होल है वो भी डबल वाली, तो यहाँ पर काफी बढ़िया से आपको एक बजट के अंदर जिसका बजट 20,000 रुपए का स्मार्टफोन लेने का है तो 5,000 और जो है एडजस्ट वो कर सकता है। तो इस वाले स्मार्टफोन के लिए मतलब एक बेटर स्मार्टफोन मैं इसे कहूंगा मिड रेंज के अंदर। तो मेरी ओपिनियंस दोस्तों यहाँ पर यही रहेंगे, एक काफी अच्छा सुंदर और सस्ता टिकाऊ जो भी बोलते हो आप वो वाला स्मार्टफोन ये हो सकता है, लेकिन इसको अगर रेटिंग दी जाए तो यहाँ पर 70% रेटिंग दी जा सकती है। 70% जो है
रेटिंग का मोहताज है, यहाँ पर हकदार है, क्योंकि 5G है, कैमरा सेटअप भी अच्छे हैं दोस्तों, पंच होल भी इसके अंदर है, यहाँ पर यूज किया गया, फास्ट चार्जिंग भी है दोस्तों, बैटरी भी 4000 mAh की, तो कुल मिलाकर जो सेटअप है वो काफी बढ़िया से है। यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 या फिर 865 होता तो इसकी रेटिंग यहाँ पर बढ़ जाती है, और कलर OS लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 के साथ है, सब कुछ लगभग लेटेस्ट है, यहाँ पर थोड़ी सी एक आध चीज की कमी है। बाकी आप बताइए दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में, इसमें ये हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, या फिर प्राइस जो है थोड़ी सी ओवर आपको लग रही है 5G होने के बावजूद भी। काफी सारे क्वेश्चन और आंसर होंगे आपके, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लें, और कुछ बताना चाहते हैं तो भी दोस्तों कमेंट में बताएं, और हमारा जो 50 लाइक्स का टारगेट है वो कंप्लीट करा दीजिए, काफी खुशी होगी दोस्तों, काफी मोटिवेट यहां पर मैं भी हो जाऊंगा, और आपके लिए इससे भी बढ़िया और लेटेस्ट टेक अपडेट्स जो है लेके आता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।